हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चंदाज। वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हर स्टेप को आप ध्यान से फॉलो करिए, तभी जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन ऑफिशियली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल कर देना है, कोई भी वर्जन हो। उसके बाद आपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मेरे सिस्टम में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। देखिए यहाँ पे आ चुका है, आपको सिंपली इसे सर्च कर लेना है। तो देखिए आपको टॉप में ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 32 बिट और 64 बिट मिलता है। तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं 64 बिट को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहां पे नीचे आपको ऑफिस सुइट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा LTSC क्या है, तो मैं बता दूं ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। बेसिकली ये इंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको केवल सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, क्लाउड फीचर भी आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद देखिए आपको यहां पे वीजो, तो मैं बता दूं आपको वीजो इसमें इंस्टॉल नहीं मिलता है, आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसे नॉन कर देता हूं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहां पे सिलेक्ट वर्जन आपको इसे लेटेस्ट रहने देना है। और नीचे आपको यहां पे एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपको एप्स नहीं चाहिए आप यहां से बंद कर सकते हैं। जैसे मुझे वन नोट नहीं चाहिए, मुझे पब्लिशर नहीं चाहिए, मुझे वन ड्राइव नहीं चाहिए। और उसके नीचे आपको यहां पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहां पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहां पे इंग्लिश यूनाइटेड आप इसे सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए। उसके बाद नीचे आपको देखिए ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको इस पे रहने देना है, क्योंकि मुझे सर्वर से ही इंस्टॉल करना है, तो मैं इसी पे रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पुराना जो आपके वर्जन है आपने उसे अनइंस्टॉल नहीं किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो मैंने तो कर दिया, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है आपको, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाके फिनिश कर देना है। देखिए ये फिनिश कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो जो आपने कस्टमाइज किया, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं फिर जाके, लेकिन मुझे कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट आपको इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को आपको टिक करना है और यहाँ पे फाइल नेम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहने देना है। उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसे रहने देते हैं। उससे पहले एक न्यू टैब लेता हूं और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फिर से ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, सिंपली आपको इसके सर्च कर लेना है और टॉप में ही आपको देखने को मिलेगा, इसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए ये ओपन हो चुका है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है और एक कुछ ही सेकंड में आपको डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो चलिए मैं डाउनलोड फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों डाउनलोड फाइल मुझे मिल चुका है, जो मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट टूल को डाउनलोड किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा, तो इसे मैं व्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ और इसके नाम देना होगा आपको ऑफिस 2024 और इस दोनों फाइल को आपको इसमें मूव कर देना है। तो मैं इसे मूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस फोल्डर को कट कर लेना है और आपको सी ड्राइव को ओपन कर लेना है, लोकल डिस्क आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो देखिए आ चुका है और उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको देखिए ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है और येस कर देना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे मैंने कॉपी किया वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने सी ड्राइव में कॉपी किया हूँ, तो लोकल डिस्क को ओपन करता हूँ और मैंने जो अभी फोल्डर को पेस्ट किया ये रहा ऑफिस 2024, इस पे मैं ओके करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट होके मुझे यहाँ पे मिल चुका है। देखिए यहाँ पे सेटअप फाइल भी मुझे मिल चुका है। उसके बाद सिंपली आपको CMD ओपन कर लेना है और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है और येस कर देना है। तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए। तो उससे पहले यहाँ पे मैं जो फाइल कॉपी किया हूँ उसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं इस पे जाता हूँ और टॉप में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये पाथ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ और CMD को ओपन करता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना होगा, CD स्पेस, उसके बाद जो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे सेटअप फाइल को रन करने के लिए यहाँ पे कमांड देना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है setup/configure, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद टाइप करना है फिर से आपको configuration.exe
XML. XML इसी टाइप करना है क्योंकि हमारा XML टाइप फाइल है. उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है. तो फ्रेंड देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है, आपको वेट करना है. ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके इंटरनेट स्पीड है तो ये जल्दी हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं. तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल हो चुका है. तो सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं एक मोर डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देख लेता हूँ. मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और अकाउंट में क्लिक करता हूँ. तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन 2024 इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक्टिवेटेड भी है ये. तो फ्रेंड ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेटेस्ट वर्जन, ऑफिशियली बिल्कुल फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं. तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा. तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा. और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं. अगर आपको वीडियो एडिशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहां पे कॉन्टेक्ट करें. फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में. ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है. और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.